वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सिक। आज हम कुंदरून का चोखा बनाए हैं। कुंदरून के साथ हम आलू और टमाटर भी डाले हैं। यह चोखा बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने में बहुत ही इजी है। अगर आप कुंदरून का चोखा नहीं खाए हैं तो इस तरीके से बनाएं, इसको आप बार बार बनाना चाहेंगे। कुंदरून का चोखा बनाने के लिए हम 250 ग्राम कुंदरून लिए हैं और 200 ग्राम आलू, और इसमें हम एक टमाटर डालेंगे। कुंदरून कुछ खट्टापन रहता है, इसलिए इसमें हम टमाटर का यूज कम करते हैं। अगर आप कुछ चोखा को खट्टास में बनाना चाहें तो इसमें 2 टमाटर ले लें। कुंदरून को हम अच्छे से धो लिए हैं, इसको छीलने की ज़रूरत नहीं रहता है। इसके किनारों को सिर्फ हल्का हल्का हम कट करेंगे और आलू को भी हम छील लेंगे और धो लेंगे, जिससे हमें बाद में बॉयल करने के बाद नहीं छीलना पड़ेगा। इन सब को हम प्रेशर कुक करके अच्छे से बॉयल करेंगे। कुंदरून को हम मैश होने तक बॉयल कर देते हैं, जिससे अच्छे तरीके से मैश हो जाए। आलू, टमाटर और कुंदरून को हम फॉर्क के सहायता से या मैशर के सहायता से मैश कर लेंगे। आप जिस हिसाब से चोखा बनाना पसंद करें उस हिसाब से इसको मैश करें। हम कुंदरून को एकदम पेस्ट के तरह मैश करेंगे और टमाटर को भी, लेकिन आलू को कुछ छोटे छोटे गुटकों में रखेंगे। चलिए, चोखा बनाने के लिए पैन को हम गैस पर रख दिए हैं और इनको हीट होने देंगे, और इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे और तेल को हम गर्म करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। चोखा में हमें लहसुन का मात्रा अच्छा लगता है, इसीलिए हम कुछ ज़्यादा डालते हैं, और बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा डालेंगे और इन सबको हम सौते करेंगे। इन सबको हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, सिर्फ हल्का कलर चेंज होने तक इनको हम भून लेंगे, जिससे चोखा में इनका टेस्ट अच्छा आए। जब यह भून जाएंगे तब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज को डालेंगे। प्याज को भी हम 1 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेंगे। प्याज को भी हमें ब्राउन नहीं करना है। जब इनका कलर चेंज होने लगेगा तब इसमें हम मैश किए हुए आलू, कुंदरून और टमाटर को डाल देंगे। इस तरीके से इनको हम मैश कर लिए हैं। इनको ज़्यादा पेस्ट के तरह नहीं करेंगे, ना तो चोखा हमारा बाद में बहुत ही पेस्टी हो जाता है। और इनको हम प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्चा में भूनेंगे। आप चाहें तो इस चोखा को सिर्फ इसी तड़का के साथ बना सकते हैं, इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डाल दें। लेकिन चोखा को हम कुछ मसालेदार बनाने के लिए इसमें हम मसाला डालेंगे, जिससे चोखा हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। इनको हम हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भूनेंगे, और भूनने के बाद इसमें हम हल्दी डालेंगे, और मसालेदार बनाने के लिए हम इसमें गर्म मसाला डालेंगे, और मसालों को हम चोखा के साथ फिर से 2 मिनट भूनेंगे, जिससे मसाले तो भून जाए, चोखा भी हमारा भूनकर ड्राई हो जाए। चोखा अगर भूनकर ड्राई रहता है तो खाने में टेस्टी लगता है। आजकल मार्केट में कुंदरून बहुत ही ताज़े और अच्छे मिल रहे हैं, इनको खाने में ज़रूर यूज करें। इसमें ढेर सारा फाइबर पाया जाता है और हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कमज़ोर दिल वाले कुंदरून का चोखा सब्जी ज़रूर खाएं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डाल देंगे, और नमक को हम चोखा में मिला लेते हैं। मिलाकर इनको अच्छे से हम भूनेंगे। जब चोखा हमारा भून कर ड्राई रहता है तो यह खाने में टेस्टी होता है, इसीलिए उस हिसाब से चोखा को अच्छे से भून लें। और लास्ट में हम कटे हुए धनिया पत्ती को डाल देंगे। धनिया पत्ती डालने के बाद इनको हम 1 से 2 बार चलाते हैं, जिससे धनिया पत्ती का फ्लेवर हमारे चोखा में आ जाए। तब हम गैस को बंद कर देंगे। इस तरीके से चोखा हमारा बनके तैयार हो गया है। चलिए, इनको हम प्लेट में निकालते हैं। इस चोखा को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। चोखा हमारा प्लेट में सर्व करने के लिए रेडी है। इस पर हम कुछ कटे हुए प्याज डालेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।